तो दोस्तों, हरिद्वार के अधिष्ठात्री देवी माया देवी टेंपल आ गए हैं। ये एक शक्तिपीठ है। जय माता दी। ये माया देवी टेंपल 51 शक्ति पीठों में आता है, जहाँ पे सती जी के मतलब शरीर के अंग और ज्वेलरी जहाँ जहाँ गिरे हैं, तो यहाँ पे माया देवी टेंपल में सती जी का नाभि गिरा था, इसीलिए इसे ब्रह्मांड का केंद्र भी बोलते हैं। इस मंदिर के चारों तरफ 12 ज्योतिष मतलब लिंग जो शिव जी के हैं वो स्थापित हैं, और चारों तरफ माता के जितने भी रूप हैं उनको चित्रण किया गया है। एक तरफ कामाख्या देवी हैं, एक तरफ काली माता है, इधर काली माता है, इधर कामाख्या माता है। जय माया देवी। एक्चुअली हरिद्वार में कनखल जगह है, जहाँ पे सती जी ने आत्मदाह कर लिया था शिव जी के अपमान के कारण, उनके पिता ने किया था। तो उसके बाद यहाँ पे वो अपना शरीर त्याग करके यहाँ पे आके स्थापित होती हैं, और जब शिव जी क्रोधित हो मतलब क्रोधित और उनके वियोग में उनके शव को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरते हैं, तब सती जी की नाभि यहाँ गिरती है। इसीलिए कालांतर में हरिद्वार को मायापुरी भी कहते थे। तो हम जनवरी में भी यहाँ आए थे, अभी क्योंकि हर सती जी का जो शक्तिपीठ है वहाँ पे भैरव जी, शिव जी ऐसे भैरव रूप में विद्यमान होते हैं, उनके दर्शन बिना हर शक्तिपीठ अधूरा है। तो यहाँ पे जो भैरव जी हैं वो आनंद भैरव हैं, मतलब उनका नाम है आनंद भैरव, तभी उनका दर्शन करते हैं और यहाँ से चलते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं भैरव बाबा की तरफ, आनंद भैरव। इन्हें हरिद्वार का कोतवाल भी कहा जाता है, मतलब आपको हरिद्वार में घुसने से पहले इनसे आज्ञा लेनी पड़ेगी। आनंद भैरव। मतलब हरिद्वार में 3 शक्तियां हैं, मनसा देवी, चंडी देवी और माया देवी। तो जो चंडी देवी और मनसा देवी हैं वो 2 पहाड़ पे हैं इस तरह से, और त्रिभुजाकार नीचे धरती पे मतलब अधोमुख मतलब धरती की तरफ जो एक तरह से त्रिभुज का शीर्ष बनेगा वहाँ पे माया देवी हैं। तो इस तरह से हरिद्वार का तीनों तरफ से रक्षा माया देवी करती, मतलब ये माया देवी, चंडी देवी और मनसा देवी करती हैं। श्री आनंद भैरव मंदिर, मायापुर, कोतवाल, हरिद्वार। जय काल भैरव। जय महादेव। जय काल भैरव। जय काल भैरव। जय महादेव। हर हर महादेव। ये 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 ग्रह में आते हैं। तो सामने ही काल भैरव, आनंद भैरव बोल लीजिए, आनंद भैरव
टेंपल के सामने ही नवग्रह टेंपल है। चलिए चलिए यहाँ से चलते हैं तो तीनों शक्तिपीठ का दर्शन हो गया, मनसा देवी, चंडी देवी, माया देवी का। हरिद्वार में गंगा जी में स्नान कर लिया गया, पिताजी और पूर्वजों को, पितरों को पिंडदान कर दिया गया। मांगा तो यही है कि भगवान पिताजी जहाँ पे भी हों, चंडी देवी, मनसा देवी, हे कृष्ण, हे राम, हे भोलेनाथ, हे माया देवी, हे गंगा मैया, उनको सुख शांति और खुशी पूर्वक रखिएगा। जय माया देवी, हर हर महादेव। हरे कृष्ण हरे कर आए माया देवी के भी कर लिए, चंडी देवी के भी कर लिए, मनसा देवी का भी कर लिए, गंगा जी में नहा लिए, पिंड दान भी कर दिए पूर्वजों को। अब चल रहे हैं माया देवी टेंपल से। माया देवी की जय, आनंद भैरव की जय। जय माया देवी, जय माया देवी। मतलब यहाँ पे आश्रम भी है, एसी, नॉन एसी, सारी व्यवस्था है, आप रुक सकते हैं नॉमिनल चार्ज के साथ। ये जूना अखाड़े जो है वो अभी इसकी देख रेख करता है। चलिए बाय, सी यू, देखते हैं फिर आगे कहाँ हम जाते हैं। जय माता दी।